बताओ पैसे लिए नहीं लिए? मैंने नहीं लिए। नहीं लिए पैसे? ये देने वाला यहाँ खड़ा है झूठ बोल रहा है। अभी तेरे जेब से पैसे निकाला। झूठ बोल रहा हूँ। अभी बता जाएगा क्या? झूठ बोल रहा हूँ। तो पैसे तो निकाल दे ना। साबित कर दूंगा झूठ बोल रहा है। चलो करो साबित करो साबित करो। अच्छा कुछ नहीं ये सब आपकी बात हो गई। बात कर ले आपसे। आप बात करो। नहीं नहीं अगर आप बात करें मुरादाबाद के सीएमओ ऑफिस में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के नाम पर की जा रही अवैध उगाही का आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक योजना बनाते हुए पर्दाफाश कर दिया और अधिकारियों को बुलाकर कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा, जिसके चलते काफी देर तक हंगामा मचता रहा और कार्यालय में खासी भीड़ जमा हो गई। दरअसल दोपहर के समय मुरादाबाद के सीएमओ ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर बने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कक्ष में अचानक हंगामा होने लगा। लोगों की भीड़ वहां मौजूद अमित कुमार नाम के कर्मचारी पर अवैध उगाही का आरोप लगाकर हंगामा कर रही थी। जो लोग आरोप लगा रहे थे दरअसल को भाजपा के कार्यकर्ता और नवीन नगर क्षेत्र से निगम पार्षद अजय दिवाकर अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद थे। इनका सीधे तौर पर कहना था कि अमित नाम का कर्मचारी बिना पैसे लिए काम नहीं करता, इसलिए उन्होंने 100 रुपए के नोट का नंबर लिखकर अपना काम कराने के लिए भेजा, जिसका वीडियो भी उनके पास है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद सीएमओ भी पहुंच गए, जिसके बाद भाजपाइयों ने उनका घेराव करते हुए आरोपी कर्मचारी की तलाशी लेने का दबाव बनाया तो वे 100 रुपए का नोट उसकी रेख से निकल गया। बस फिर क्या था, भीड़ ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जी भैया क्या नाम है आपका? वरुण सैनी। अच्छा बात करो। कितने रुपए लिए आपसे रिपोर्ट लगाने के अंदर? 100 रुपए। दिखाओ कौन सा कागज है। ये सुरभि नाम का कागज है, जैसे 2-3 दिन से आपका चल रहा था वैसे ही इनसे 100 रुपए लिए गए हैं। अभी आगे अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। किस लिए आए थे आज? हमारे वार्ड का एक जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र यहाँ बनता है, यहाँ सीएमओ साहब के यहाँ। तो यहाँ पर एक लड़का जो बैठता है वो, उसे अमित नाम का लड़का है जो यहाँ देख रहा है उस काम को उसके ऑफिस में। वो पिछले कई दिनों से हमारे वार्ड का कोई आता था उससे 100 रुपये पर प्रमाण पत्र के लेता था अपने साइन करने के जाँच के नाम पर। आज एक हमारे वार्ड का एक लड़का, ये वरुण सैनी है, ये अपने ताऊ जी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आया, तो इस जन्म का, तो जन्म बच्चे का, तो उसमें इन्होंने क्या करा, नोट का नंबर हम इन लोगों ने लिख लिया, बाद में उसे दिए, तो इसकी सूचना हमें मिली कि उसने पैसे इनसे लिए। तो मैंने सीएमओ साहब को पत्र आया, अभी जो एसीएमओ साहब थे उन्होंने उसकी जाँच करी, उसके केबिन में वो 100 रुपये पाए गए और नंबर मैच करे, वही नंबर था 100 रुपये का। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। कई जगह ऐसा मामला होता है कि रिश्वत थम नहीं पा रही, ये लोग जो अधिकारी हैं ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और ये कहता है, ये लड़के का कहना था कि ये पैसे सीएमओ साहब से लेके सबको जाते हैं, हमारे डेली का हम लोगों का काम है, तो निडर होकर काम करें ये लोग, कोई इन पर अंकुश नहीं लग रहा। मेरा निवेदन यही है डीएम साहब से और सीएमओ साहब से, कमिश्नर साहब से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, जिस और बल्कि जेल भेज दिया जाए ऐसे लोगों को, जिससे सुधार कुछ कानून व्यवस्था में आ सके। किस पार्टी से आते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 7 से, MDA से। क्या काम करते हैं, किस चीज़ के लिए? ये सिर्फ किसी सर जन्म मृत्यु अनुभाग में नाम अमित कुमार। अमित कुमार क्या काम होता है सिर्फ यहाँ पे? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन वर्क यहाँ पे होता है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में भाग यहाँ पे संपादित। तो आपने 100 का नोट प्राप्त किया, मतलब मिला सर? ये तो पूरा क्या क्या कार्रवाई करेगा मुख्य चिकित्सा